साल में जो बीआरसी है बीआरसी पूजा और गांव के लोग पोषण पखवाड़ा आपको पता है साल में दो बार मनाया जाता है, एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में। अब 27 तारीख से मतलब 27 से नहीं 24 तारीख और 4 तारीख तक चलेगा। इसमें हमें गांव-गांव में जाके मीटिंग करके लोगों का स्वास्थ्य ठीक कैसे रहे इस बारे में जागरूक करते हैं। अब स्वास्थ्य के जो पॉइंट हैं वो कई तरीके के हैं, उसमें आप माताओं को ये बताएंगे कि भी उसके अंदर खून की कमी ना हो, और खून की कमी ना हो इसके लिए क्या उसको खुराक लेनी चाहिए, जैसे हरी सब्जियां लेनी चाहिए, ठीक है, लोहे की कढ़ाई, अगर कोशिश करो कि लोहे की कढ़ाई यूज हो, और आयरन फोलिक एसिड की गोलियां लें। इसी तरीके से खान पान ठीक तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जैसे साफ सफाई है, अगर आपने अच्छा खाना बना लिया और हाथ धो के खाना नहीं परोसा या हाथ धो के खाना नहीं खाया तो कीटाणु अंदर चले जाएंगे और आप बच्चों के अंदर भी माताओं के अंदर भी बीमारियां हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो स्वास्थ्य ठीक किसी से रहता है कि भी आप बच्चों को डायरिया ना होने दें, डायरिया दस्त ना होने दें, उसके लिए मतलब साफ पानी पिलाएं, उसके लिए बच्चों को साफ रखें, साफ खाना खिलाएं, बच्चा इधर उधर जो जाता है उसके हाथ धोते रहें बार बार, माँ भी अपने हाथ धोती रहे, और इसी तरीके से उनमें खून की कमी ना हो। ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को ये संदेश देते हैं पोषण पखवाड़े के माध्यम से कि आप अपना सही पोषण कैसे करें, और इसके लिए हम अलग अलग गतिविधियाँ करते हैं, जैसे साइकिल रैली निकालते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, छोटी छोटी मीटिंग करते हैं, पोस्टर कंपटीशन करते हैं, भाषण प्रतियोगिता करते हैं, ताकि जो हमारे अलग अलग माध्यम हैं हर माध्यम से कोई आपका पोस्टर पढ़ेगा, कोई आपका नारा सुनेगा, कोई आपकी मीटिंग अटेंड करेगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को ये संदेश देते हैं ताकि हमारा संदेश हर जन तक पहुँच जाए। और ये हमारे विभाग का एक मुख्य काम है मैडम, बाकी काम तो हम कई बार ये कह देते हैं जी ये हमारा काम नहीं, ये हमारा काम नहीं, लेकिन कुपोषण मुक्त हरियाणा करना हमारे विभाग का काम है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बिल्कुल अंदर से कहती हूँ कि कुपोषण दूर करने के लिए हमने हर तरह का जोर लगा देना चाहिए। जैसे मान ले इन बच्चों को चुप करा दो भाई, तो हम क्या करते हैं, भाई शादी होगी ठीक है वो आ गई, हम मतलब उसी दिन से उसकी काउंसलिंग शुरू कर दें, हम जो एडोलेसेंट गर्ल हैं उसको भी IFA की टेबलेट देनी चाहिए, और बहू आ गई उसको भी IFA की, चाहे वो प्रेग्नेंट है चाहे ना, फोलिक एसिड की गोलियां दे सकते हैं, शोषणा दे सकते हैं, और जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका उसकी केयर करना, कई बार ये लगता है केयर करने की क्या जरूरत है, अपने आप डॉक्टर डॉक्टर में जाकर कर देंगे, बहुत छोटी छोटी सलाहें आप दे सकते हो कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, टीका लगवाना है, ठीक है, ये सारी बातें, बार बार वजन कराना है अपना, चेकअप करवाना है, और मतलब फीमेल फिटिसाइड ना हो इसके लिए भी हमने जागरूकता करनी है, लड़का लड़की बराबर है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, तो अगर हम ये सारी केयर उसकी